हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उठ गए भाई, 7:30 हो गए, आज वॉक पे भी नहीं गए। अंशु भी तैयार हो गई है। अंशु, गुड मॉर्निंग। सुनोई सुनोई, क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बिस्किट खाएगा? खाएगा बिस्किट? चल चाय आने दे, फिर खिलाऊंगा। हाँ चाय तो आने दे, वही भी उठ ही नहीं रहा। ये देखो, फिर भी ज्यादा और फिर भी नहीं उठ गया। उठ ले यूवी भाई, भाग जा जल्दी। भाई जना आगे हो लिया रेडी, अब चलते मंदिर में। क्या में? हाँ तो चलते मम्मी के साथ भाई मंदिर में, और कूड़े उठाने की गाड़ी आ गई है भाई। मम्मी पहले तो कहीं कूड़ा डाल लें जब तक मैं, हाँ स्कूटी तो बारी है ना, यूवी को छोड़ के आए थे भाई। चलते हैं मंदिर में, आके फिर वॉक करने जाएंगे भाई, थोड़ा फिर स्कूल जाएंगे या फिर नहा लेंगे, गर्मी इतनी हो रखी है ना। आ गए गाइस मंदिर में, तो चढ़ा लेते बोले भाई। चल भाई मंदिर से आ गए हैं घर, अब जा रहा हूँ वॉक करने। सुबह नहीं गया था भाई, अब 9:30 हो चुके, अब जाऊँगा भाई। फ़ोन यहीं रख के जा रहा हूँ, चार्जिंग पे लगा के फ़ोन नहीं लेके जा रहा। फोन लेके जाता हूँ तो सही से ना तो वॉक होने पाती है ना रनिंग होने पाती भाई। फ़ोन को यहीं चार्जिंग पे लगा देते हैं भाई। चलो दोस्तों मिलते हैं। तो गाइस वॉक करके तो आ गए हैं, अब चलते हैं एक बार, काम है कुछ, स्कूटी पे चलते हैं, अब पेट्रोल पंप तक चलते हैं भाई। गाइज ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच एक ही होता है भाई, पता ही आपको। पनीर की सब्जी, छोले, रायता और सलाद भाई। फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे स्कूल के लिए। मोड़ पर गाड़ी पलट रही थी आज तो, एक नई से मोड़ पर। सुनाई सो जा, आज गाड़ी तो साफ की नहीं, देखते हैं गाड़ी में जाएंगे स्कूल में या स्कूटी में। तो गाइस दोबारा से नहा के हो लिए रेडी स्कूल के लिए, पहले ग्रीन टी ले लेते हैं भाई, फिर चलेंगे स्कूल में और 5-7 मिनट में गाड़ी से ही चलेंगे भाई, गर्मी लगेगी नहीं तो। पहले ग्रीन टी लेते हैं आराम से, फिर चलते हैं। तो गाइस निकल लिए स्कूल के लिए, 12 बज चुके हैं भाई। आज तो शायद 2-4 मिनट लेट ही हो जाऊंगा, अभी जाम मिल गया तो। वैसे तो पहुँच गया हूँ रोनी के पास, शायद टाइम से ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन जाम मिल गया तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। और वही कुछ खास हो ही नहीं रहा, कहीं जा ही नहीं पा रहे, अपना यहीं घूम रहे बस, स्कूल स्कूल से घर। बर्थडे था आपने देखा ही था, सेलिब्रेट किया ही था। देखें भाई जल्दी कहीं नई जगह जाएंगे, आपको वो दिखाएंगे फिर। लेकिन अगली बार जाएंगे भाई फैमिली के साथ ही, यूवी वंशु मैं ममता चारों जाएंगे भाई कहीं। लेकिन अभी ये एक और दिक्कत है ना गाइस, पहाड़ों में बारिश हो रही है तो जाना सेफ नहीं है भाई। बिल्कुल मौसम ठीक हो जाएगा ना जब बारिश वगैरह रुक जाएगी और थोड़ी गर्मी भी कम हो जाएगी, फिर चलेंगे भाई कहीं भी, क्योंकि बारिश में जाना ठीक नहीं होता ना भाई। लैंड स्लाइड वगैरह होती रहती है, पहाड़ खिसकते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो ऐसे में नहीं जाते भाई। लेकिन जाएंगे, जल्दी जाएंगे घूमने कहीं ना कहीं, फिर दिखाएंगे भाई नई नई चीज़ें आपको। तो बने रहना गाइस व्लॉग्स पे, तो फिलहाल तो चलते हैं स्कूल में। ये गाइस सफ़ेद थार, अच्छी लग रही है भाई, लेकिन ब्लैक से अच्छी नहीं लग रही। ये देखो जो ब्लैक में फिनिशिंग है वो इसमें नहीं नज़र आ रही भाई। थार तो जस्ती है तो ब्लैक में ही जस्ती है। पहुंच गए गाइस स्कूल में, लगा देते हैं गाड़ी को पार्किंग में भाई। टाइम से ही पहुंच गए, लेट नहीं, जाम नहीं मिला आज। मैं सोच रहा था कभी लेट हो जाऊं, जाम वाम मिल जाए, लेकिन जाम मिला नहीं भाई। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अब स्कूल के बाद, जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस स्कूल की छुट्टी से पहले मैं गाड़ी बाहर खड़ी करने आता हूँ भाई डेली, क्योंकि अंदर से फिर गाड़ी निकाल नहीं पाता ना, तो संडे को मार्केट रहती है यहाँ पे, बाजार रहता है, तो इसलिए बाहर ही खड़ी कर देता हूँ भाई।
तो चलते हैं स्कूल में दोबारा से, छुट्टी होने के बाद आएंगे भाई। फिर निकल लिया गाइस स्कूल से, 6:40 हो चुके भाई, आज लेट हो गया, काम था स्कूल में इसलिए लेट निकले भाई। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं घर पहुंच के, जब तक के लिए बाय बाय। तो भाई काफी लेट हो गया आज, तो 8 बज चुके हैं यहीं रेठाड़ा में। अब देखो कितना टाइम और लगेगा स्कूल से लेट होने में भाई, आगे तक लेट ही होना पड़ता है, देखते हैं भाई कब तक पहुंचेंगे। भाई इतना गंदे वाला जाम लगा है ना, कह नहीं सकते, यहाँ बैरिकेटिंग हो रखी होगी। तो गाइस सांस तो भाई अच्छे फंसे बुरे वाले, अभी तक यही है, देख लो 8:30 होने वाले और मैं अभी तक गाड़ी में ही डोल रहा हूँ। अभी तो देखो काफी टाइम लगेगा और पहुंचने में, कम से कम मानो आधा घंटा तो लग ही जाएगा जब घर पहुंचा जाएगा भाई, रास्ते में ही हूँ। चलो पहुंचते हैं भाई धीरे धीरे। और गाइस आज गाड़ी में छिपकली भी आ गई, पता नहीं कहाँ से देखी तो वहाँ पीछे बैठी हुई थी, अब इस 7 वाली सीट के नीचे पहुँच गई है भाई, अब पता नहीं कैसे तो ये निकलेगी कैसे नहीं निकलेगी, कभी मरी ना जाए अंदर। कोशिश की निकालने की लेकिन नहीं निकल पाई भाई, और सीट के नीचे ही घुस गई, पता नहीं अब निकल जाए तो अच्छा है यार, इसमें क्या ही उसको खाने का मिलेगा, मरी जाएगी वो। वैसे मैं आज शीशे खुले छोड़ दूंगा, शायद अपने आप निकल जाए रात को। चलो दोस्तों पहुंचते हैं घर। तो गाइस पहुंच गए घर और वही अपना रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर, लेट ही पहुंचा, पहुंचा 8:30 से ऊपर टाइम हो गया भाई, तो थोड़ी देर करता हूँ रेस्ट। कहाँ घूम रहा है बेटा? अरे ये मैंने थोड़ी बोला था, ऊपर आ जा, लेटने दे यार, सुनोई लेटने दे, ए सुनोई। अरे अच्छा 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 वंशु के तेरे दल से ही खेलना वंशु यो। तो ये देखो भाई कैसे मस्त आ रहा, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, और ये यूवी भी आ गया देखो, कहाँ छुपा हुआ था अलमारी में। अरे नहीं आ रही हुई, नहीं आ रही, लग जाए चोट लग जाएगी बेटे वंशी, गलती पे सुनो ही नीचे हो जा बे। सुनोई अरे चल बाहर यहां से, चल नीचे चल बाहर। असली की मम्मी आ गई है, ये क्या बात हुई, असली की मम्मी आ गई है, ये क्या बात थी बंजू। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ओके बाय, गुड नाइट।